व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल, आई यू वीर, वेलकम टू स्टिल लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। देखते ही देखते आप लोगों का जो ये साल था 2021, उसका 1/12 हिस्सा आप लोगों का खत्म हो चुका है। यानी कि अगर साल को आप लोग 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं तो एक हिस्सा आप लोग खा चुके हैं। अब आप लोगों के पास में 11 हिस्से बचे हुए हैं। अब इस 11 हिस्सों को किस तरीके से आप लोगों को यूटिलाइज करना है और पहला हिस्सा आप लोगों का कैसा रहा, इसके बारे में आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि आप लोग लिखते टाइम खुद फील कर सकें कि क्या यार सही डायरेक्शन में हम लोग के द्वारा यूटिलाइज किया गया है या फिर कोई गड़बड़ रह गई है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को फील करने की जरूरत है। अगर अभी फील नहीं किया तो फिर देर हो जाएगी, और फिर देर हो जाएगी तो फिर परेशान होगे। तो परेशान होने से अच्छा है कि पहले ही प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लो। तो बताइए कैसा रहा ये साल और कैसे आप लोगों का ये साल आगे बढ़ रहा है। बाकी तो आप लोग जानते हैं क्या क्या दुनिया में चल रहा है, फिलहाल अपने ऊपर भी आप लोगों को थोड़ा ध्यान दे लेना चाहिए। ओके, तो आइए कई सारी इंटरेस्टिंग बातें हम लोग बात करेंगे यहां पर। सबसे पहले जो आप लोगों के सामने आर्टिकल है वो काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मैं आप लोगों से पूछूं चाइना के बारे में, तो चाइना के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं आज के डेट में कि हम लोग चाइना के ऊपर इतने डिपेंडेंट हैं? और कई बार कई सारी बातें हम लोग बोलते रहते हैं, चाइना से ये मत खरीदो, वो मत खरीदो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पर लेकिन रियलिटी कुछ और होती है। यानी कि दिखने में कुछ और चीजें हैं, पर लेकिन जो आप लोग जाओगे बैकग्राउंड में तो आप लोग कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें जानने को मिलेंगी, जो इंटरेस्टिंग चीजें कई बार आप लोगों को सरप्राइज करती हुई भी नजर आएंगी। अभी अगर बात करें, चाइना जो है इंडिया के लिए वो सबसे क्रिटिकल इंपोर्ट सोर्स है, जहां से हम लोग काफी सारी जो क्रिटिकल चीजें हमारी कंट्री के लिए वो खरीद कर लेकर आते हैं। अगर वो चीजें चाइना हमको बेचना बंद कर दे या फिर हम लोग चाइना से खरीदना बंद कर दे, तो हम अभी उस हालत में नहीं है कि हम लोग सर्वाइव कर पाएंगे। क्या क्या है वो चीजें, उसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। और इंपॉर्टेंट है, इंडिया और चाइना के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए आता है तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है यहां पर मोबाइल फोन के बारे में। मोबाइल फोन से लेकर जो मोबाइल फोन के कॉम्पोनेंट होते हैं, आप लोगों को जो फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होते हैं, जिनको एपीआई बोलते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ये क्या होते हैं? जैसे आप लोग सर के दर्द की दवाई लेकर आते हैं ना, या फिर बुखार की, जैसे आप लोग कई बार बोलते हैं कि यार ये एक डिस्प्रिन लेते आना, ठीक है। तो ये जो सारी जो दवाइयां बनाई जाती हैं, इनमें एपीआई होते हैं, जिसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। तो इनसे मिलकर जो दवाई बनती है वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो अगर चाइना हम लोग को ये सपोर्ट करना बंद कर दे तो हम लोग अपने यहां पर प्रॉपर दवाइयां भी नहीं प्रोवाइड करा पाएंगे लोगों को। हमारे यहां जो जेनरिक दवाई बनती है, जेनरिक दवाई क्या होती है, जब पेटेंट जो है वो खत्म हो जाता है दवाई का और फिर उसको यूज करते हैं नॉर्मल पर्पज के लिए, यानी कि उसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं लगती, ब्रांडेड दवाई नहीं रहती है, उसको जेनरिक दवाई बोलते हैं। अगर ब्रांडेड दवाई 500 रुपए की है, जो जेनरिक दवाई लगभग आप लोगों को 50 रुपए की मिल जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर अब कोई रॉयल्टी नहीं जा रही है। तो इस तरीके से जो जेनरिक दवाई बनाई जाती है, वो जेनरिक दवाई का मैक्सिमम जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है उसको बनाने के लिए वो हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यहां पर यह है कि हर एक इंसान आज के दिन में मोबाइल फोन यूज कर रहा है, 85% जो उसका कंटेंट है मोबाइल फोन का, वो हम लोग वन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट है कहीं ना कहीं, और वो है चाइना। यहां से आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि चाइना की इंपोर्टेंस क्या है। ऑल इंडिया जो कॉन्फ्रेंस ऑफ चाइनीज स्टडी जो यहां पर अभी कंडक्ट कराएगी, ये इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडीज इस दिल्ली के अंदर, उसी के साथ में इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास, यानी कि IITM और ICS, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडी, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसेज नहीं है। ये देखिए एक नया नाम मिल गया, इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज स्टडी, इंडियन सिविल सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पर ICS और IITM के द्वारा मिलकर एक स्टडी की गई, और उसमें उनके द्वारा ये बोला गया कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत की बात तो कर रहे हैं, पर लेकिन रियलिटी में हम लोग अभी आत्मनिर्भर बनने की कंडीशन में नहीं है। तो हम लोग को आराम आराम से चीजें करनी चाहिए, ऐसे कोई भी हम लोग ऐसा स्टेप उठाएंगे तो हमारी कंट्री के लिए भी काफी नुकसानदेह हो सकता है। हमारी कंट्री में एक स्कीम चलाई गई गवर्नमेंट के द्वारा, काफी अच्छी स्कीम आप लोग बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव। यानी कि अलग अलग प्रोडक्ट के साथ में एक लिंक्ड इंसेंटिव का मतलब होता है कि उसको फायदा पहुंचाने एक तरीके से, एक सपोर्ट प्रोवाइड कराना। यानी कि मान लीजिए आज की डेट में, मान लीजिए मैं बच्चों के लिए किताबें बनाना स्टार्ट करता हूं, किताबें बनाने के लिए मुझे चाहिए टोटल मिलाकर 40 लाख रुपए। तो 40 लाख रुपए मुझे वो किताबें बनाने के लिए चाहिए, अगर मुझे कम से कम 2-3 सिटी में, जो आसपास वाले एरिया में जहां पे मैं रहता हूं, मुझे किताबें प्रोवाइड करानी है सब बच्चों को, तो उसके लिए मान लीजिए मेरे पास में 20 लाख रुपए हैं। अब यहां पर यह तो यह है कि यह काम मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा, बीच में उसको छोड़ दूं, एक साइड में गवर्नमेंट बोले कि ठीक है 20 लाख रुपए हम लोग आप लोगों को देते हैं, आप लोग अपना काम कंटिन्यू रखिए, तो एक तरीके से उन लोगों ने हमको इंसेंटिव दे दिया, या फिर मुझे लोन दिला दिया जो कि बहुत सस्ता, जिसके ऊपर मुझे ज्यादातर अगर कोई इंटरेस्ट वगैरह पे नहीं करना पड़े। तो इस तरीके से तो गवर्नमेंट जो हेल्प करती है, तो इससे क्या होगा, हम लोग आत्मनिर्भर होंगे, अपनी कंट्री में ही हम लोग प्रोडक्ट बना पाएंगे। तो इसके चलते अलग अलग प्रोडक्ट पर जो इंसेंटिव प्रोवाइड कराते हैं, किसी में टैक्स में छूट दे दी, किसी में और कोई हेल्प प्रोवाइड करा दी गवर्नमेंट के द्वारा, तो इससे हमारा डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ता है। अगर डोमेस्टिक लेवल पर, यानी कि अपने घर पर ही हम लोग चीजों को बनाना स्टार्ट करते हैं, तो इससे हमारी कंट्री में लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। तो इनडायरेक्ट वे में
कितने सारे फायदे हो गए। एक तो बाहर से हम लोग सामान खरीद कर नहीं लेकर आएंगे, वो घटेगा। दूसरा, हमारी कंट्री में लोगों को इंप्लॉयमेंट मिलेगा तो उनकी इनकम बढ़ेगी। अपनी ही कंट्री में हम लोग अपना ही पैसा रख पाएंगे, बाहर नहीं जाएगा, ये एक अच्छी बात है। और दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग के लिए खतरनाक होती है, तो उससे भी हमारा पीछे छुड़ेगा। तो इसके चलते हमारी कंट्री में ये बेसिकली फंडा है। इसी के चलते जो यहां पर ये देखा जा रहा है कि जैसे आज के में अगर चाइना का ऑल्टरनेटिव हम लोग को चाहिए तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने पड़ेंगे दूसरे अदर जो ट्रेडिंग पार्टनर है, ताकि हमारी कंट्री में जो प्रोडक्ट है उसको हम लोग ढंग से अपनी कंट्री में यूटिलाइज कर सके। चाइना के बारे में अगर बात करें, आज की डेट में भी चाइना हमारी कंट्री में सबसे बड़ा इंपोर्ट का सोर्स बना हुआ है। हालांकि अगर बात करें फिलहाल अभी 2016 के साथ में आप लोग इसको कंपेयर करिएगा तो हमारी कंट्री जो है वो चाइना से कुछ कम अभी फिलहाल खरीद रही है, क्योंकि कोविड-19 और भी कई सारी कंडीशन यहां पर ऐसी बन गई, तो फिलहाल हम लोग कुछ चीजें कम खरीद रहे हैं। पर फिर भी अगर आज के डेट में आप लोग बात करते हैं चाइना के बारे में, तो मैक्सिमम जो हम लोग डिपेंडेंट है आज के डेट में भी हम लोग चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट है। आज की डेट में भी हम लोग चाइना के ऊपर ही डिपेंडेंट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। यहां पर क्या हो गया, एक सेकंड यार। अगर टू वे ट्रेड के बारे में बात करते हैं इंडिया और चाइना के बाद में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा 87 बिलियन डॉलर के करीब हमारा दोनों साइड में ट्रेड है। पर लेकिन अगर बात करें चाइना की साइड से, तो चाइना की साइड से मैक्सिमम लोग इंपोर्ट करके लेकर आते हैं, खरीद कर लेकर आते हैं। अपनी कंट्री से हम लोग ओनली 20 बिलियन के करीब यहां पर चाइना को बेचते हैं। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है आज के डेट में वो थोड़ा लो हो गया, जो पहले बहुत ज्यादा था, अब 45.8 बिलियन आ गया है, जो कि पहले लगभग 55 से 56 बिलियन के करीब हमारा डेफिसिट हुआ करता था। इसका मतलब यह था कि हम लोग मैक्सिमम सामान चाइना से खरीदते हैं और अपना सामान चाइना को काफी कम बेचते हैं। तो यहां पर इसका मतलब ये हो गया कि हमारी कंट्री जो है चाइना के ऊपर काफी ज्यादा डिपेंडेंट है। पहली बार 20 बिलियन आंकड़ा हम लोगों ने क्रॉस किया है। तो इसी को बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट, मतलब इंपोर्ट है ज्यादा और एक्सपोर्ट है कम। तो ये हो गया ट्रेड डेफिसिट। तो ट्रेड डेफिसिट आप लोगों से पूछे तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में इसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो माइंड में क्लैरिटी इसको लेकर आगे बढ़ते हैं। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है और क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए एग्जाम में बन सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों से कुछ बातें करूंगा जो कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के पॉइंट ऑफ से भी, पॉलिटिकल के पॉइंट ऑफ से भी, और आप लोगों को बीइंग ए सिटीजन ऑफ इंडिया भी पता होना चाहिए। हमारी कंट्री में भी उत्तर प्रदेश के द्वारा एक ऑर्डिनेंस लाया गया। ये जो ऑर्डिनेंस था, ये ऑर्डिनेंस ये बोल रहा था कि अगर जो कन्वर्जन होता है यहां पर किसी पर्टिकुलर जो धर्म से दूसरे धर्म में, वो भी शादी को ध्यान में रखते हुए, तो उसको यहां पर आप लोग अलाउ नहीं करेंगे। तो इसके चलते बेसिकली रोकने की कोशिश की गई थी हमारी कंट्री में उत्तर प्रदेश के द्वारा, और भी कई सारे आगे निकल कर आए थे। अभी यहां पर एक आरटीआई फाइल की गई है जिसको बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन, यानी कि हमको हक है भाई साहब ये जानने का। ये आरटीआई जो फाइल की गई है, इसमें ये पता चला है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो ऑर्डिनेंस लाया गया है कि ये अनलॉफुल जो रिलीजियस कन्वर्जन होता है, यानी कि गलत तरीके से अगर एक धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट लोगों को किया जाता है, उसको रोकने का काम कर रहा था। तो इसके चलते जब आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन पूछी गई सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या इस पर्टिकुलर मुद्दे को लेकर इंफॉर्मेशन निकल कर आई, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला कि भाई साहब उत्तर प्रदेश ने जो ऑर्डिनेंस पास किया ना, वो ऑर्डिनेंस अभी होम मिनिस्ट्री ने उसको होम मिनिस्ट्री ने अलाउ नहीं किया, उसको एग्जामाइन नहीं किया है। हम लोग उसको एग्जामाइन करेंगे जब वहां से आएगा, और उसके बाद में ये प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होगा। ऐसे नहीं है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट अपनी मनमानी चलाएगी। अगर ऑर्डिनेंस के बारे में बात करें, जिसको अध्यादेश बोलते हैं आप लोग हिंदी में, ये सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डिनेंस लेकर आती है तो आर्टिकल 123, याद रखिएगा आर्टिकल 123 यहां पर ऑर्डिनेंस का काम करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। पर लेकिन अगर आप लोग बात करें स्टेट के बारे में, तो याद रखिएगा ये आप लोगों को देखने को मिलेगा 123, यानी कि 1 और 2 की पोजीशन चेंज कर दो, ये ऑर्डिनेंस लेकर आती है स्टेट गवर्नमेंट। तो यहां पर ये बोला जाता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई ऑर्डिनेंस लेकर आती है, वो ऑर्डिनेंस अगर यहां पर रिपग्नेंट, यानी कि एक तरीके से कुछ प्रतिकूल होता है सेंट्रल लॉज के और कोई सोसाइटी पर अलग इंपैक्ट डालता है, संविधान के हिसाब से नहीं होता है, जैसे कि सेंट्रल पॉलिसी को यहां पर चैलेंज करता है, या सेंटर के द्वारा जो लीगल सिस्टम है उसके ऊपर इंपैक्ट डालता है, या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखनी होती है, तो जो भी राज्य है कोई भी अगर ऐसा लॉ बनाएंगे तो उसको प्रेसिडेंट एसेंस के लिए भेजेंगे। यानी कि नॉर्मली तो गवर्नर काम करता है राज्य के अंदर में, भाई गवर्नर से यहां पर परमिशन ले लेंगे, पर लेकिन अगर कोई ऐसा लॉ होता है जो कि एक लार्ज स्केल पर इंपैक्ट डाल रहा है, वो भी सेंट्रल लॉ को अपोज करते हुए, तो उस टाइम पर वो उस तरीके जो लॉ है वो प्रेसिडेंट की एसेंस, यानी कि प्रेसिडेंट से परमिशन लेने के लिए भेजे जाएंगे। सारे की बात नहीं कर रही है, सारे नहीं है, फिर मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सारे लोग प्रेसिडेंट से परमिशन के लिए नहीं भेजे जाएंगे, ओनली वो लोग प्रेसिडेंट से परमिशन के लिए बोले जाएंगे जो सेंटर के द्वारा जो लोग बनाए जा चुके हैं ऑलरेडी, उसको चैलेंज कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और नेशनल लेवल की जो सेंटर पॉलिसी है उससे कहीं हटकर चल रहे हैं, इसी के साथ में संविधान को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से टच करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो इसलिए यहां पर ये अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि बिल तो पास उनके द्वारा
स्टेट के द्वारा पास कर देंगे, पर लेकिन सेंटर के द्वारा अभी क्लियर नहीं हुआ है, वो सेंटर को क्लियर करना पड़ेगा, तब जाकर चीजें प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट होगी। यानी कि उत्तर प्रदेश का जो ऑर्डिनेंस है, जो आर्टिकल 123-213 के खिलाफ जो चलते हैं पर इनके द्वारा लाए गए हैं, तो गवर्नर नहीं, उसमें गवर्नर तो अपना काम करेगा, पर लेकिन गवर्नर उसको रोकेगा प्रेसिडेंट के लिए, और प्रेसिडेंट से लिए रोकने का मतलब यह है कि हमारी कंट्री में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको देखेगी और सही है या फिर गलत है उसके बाद में जाकर उसको अलाउ किया जाएगा। तो अभी जो राज्य गवर्नमेंट के द्वारा किया गया वो अप टू द मार्क नहीं है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, अभी इसको सेंटर के द्वारा चेक करना अभी बाकी है। ठीक है, तो ये बातें यहां पर बोली गई हैं। ओके, आइए अब आगे चलते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है जिसमें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं उनके द्वारा यहां पर अभी अपना एक तरीके से इसमें इंटरफेयर किया गया। नॉर्मली उनकी साइड से कोई भी स्टेटमेंट निकलकर नहीं आ रही थी, तो यहां पर इसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहूंगा। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर आप किसानों को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, मैंने ऐसा नहीं कहीं भी बोला कि मैं किसानों को सपोर्ट कर रहा हूं या मैं सरकार को अपोज कर रहा हूं या फिर सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं। एक वीडियो पहले मैंने बनाई, उसमें दिखा कि किसानों ने जो अभी फिलहाल जो झंडा वहां पर फहराया गया था जो लाल किले के ऊपर, तो उसमें पाकिस्तान की मीडिया का एक कमेंट था। मैंने उसको क्लियर किया कि मैंने कहा पाकिस्तान की मीडिया ये बोल रही है कि खालिस्तान का झंडा यहां पर लगाया जा रहा है, मैंने ये नहीं बोला कि खालिस्तान का झंडा है। तो बोलने लगे कि सर आप तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हो। एक दूसरी वीडियो बनाई मैंने, उस वीडियो में मैंने दिखाया कि यहां पर जो किस तरीके से जो पर्टिकुलर सेक्शन 144 एक्सप्लेन किया वहां पर लगाया गया है, तो वो बच्चे बोलने लगे, कई सारे बच्चे नहीं होते हालांकि वो मुझे पता है कौन ऐसी हरकतें करते हैं, उनके द्वारा बोला गया कि सर आप तो एक तरीके से ये बोल दिया गया कि सर आप तो किसानों को सपोर्ट कर रहे हो। मैंने आप लोगों ने अगर थोड़ा ध्यान से सुना होगा, मैंने हमेशा ये बोला है कि एक मिडपाथ लेकर चलना चाहिए जिसको बुद्ध वाला पाथ बोलते हैं। यानी कि ना तो किसान अपनी जगह गलत है और ना ही गवर्नमेंट कहीं ना कहीं अपनी जगह गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट भी देश की है और किसान भी देश के हैं। तो एक सॉल्यूशन क्या निकलना चाहिए, एक मिडपाथ निकलना चाहिए, बुद्ध वाला पाथ निकलना चाहिए। यानी कि अगर आज की डेट में यहां पर कई सारे आप लोग अगर इसको प्रॉपर वे में समझे, मैं आप लोगों को समझाने की थोड़ा सा कोशिश करूं, तो कई सारे बच्चों के द्वारा बोला गया सर हम भी किसान हैं, हम दूसरे राज्य के किसान निकल कर आते हैं। एक ने बोला सर मैं उड़ीसा का किसान हूं, हमको तो इन लॉ में कोई गड़बड़ नहीं लग रही है। तो ये चीजें आप लोगों को थोड़ी सी समझनी पड़ेगी, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश मैं करने जा रहा हूं, उसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा मैं क्या यहां पर बातें बोलने जा रहा हूं। सोचिए एक मिनट, आज की डेट में अगर हम लोग बात करें पंजाब और हरियाणा के बारे में, जैसे कि आप लोग देखते हैं ये हो गया पंजाब और ये हो गया हरियाणा। जब हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन जिसको आप लोग हिंदी में हरित क्रांति बोलते हैं, उसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारी कंट्री में, और जो ये रोल प्ले किया इससे हमारी कंट्री में जो भुखमरी थी वो काफी हद तक कम हो गई। पर लेकिन भुखमरी कैसे कम हुई, जो भी यहां पर अनाज वगैरह उगाया गया जिस राज्य में जरूरत थी उस राज्य में उसको भेजा गया ताकि हमारी कंट्री में सबके लिए अवेलेबल कराया जा सके, इनके सबको अनाज मिल सके और अफोर्डेबल रह सके। तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है हमारी कंट्री में अफोर्डेबल प्रोवाइड कराने के लिए, इनके सस्ता अनाज मिल सके, ऐसा नहीं है कि इतना महंगा मिले कि कोई इसको खरीद ही ना पाए। तो ये सबसे बड़ा जो रोल प्रोवाइड कराया गया ये पंजाब और हरियाणा के द्वारा प्रोवाइड कराया गया। और अगर आप लोग बात करें हमारी कंट्री में जो फूड सिक्योरिटी के बारे में, तो फूड सिक्योरिटी का बेस पंजाब और हरियाणा के ऊपर टिक गया। तो ये टिक गया तो इसका मतलब ये कि पंजाब और हरियाणा के जो किसान है उनको काफी फायदा हो रहा है इससे, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में जो गेहूं चावल वगैरह जो उगाए जा रहे हैं इसका मतलब वो मैक्सिमम जो है वो गवर्नमेंट की एजेंसी खरीद रही है। और गवर्नमेंट की एजेंसी उसको कैसे खरीदती है, वो खरीदती है एमएसपी पर, जिसको आप लोग बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब पूरा जो फंगा चल रहा है यहां पर ये मैक्सिमम जो देखोगे ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का चल रहा है। यानी कि पंजाब और हरियाणा के किसान ये बोल रहे हैं कि जो भी आप लोगों ने थ्री लॉ अभी पास किए हैं यहां पर, इन तीन बिल के अंदर में तीन एक्ट जो आप लोगों ने बना दिए इसमें कहीं भी एमएसपी का जिक्र नहीं किया गया है। तो किसानों को ये लग रहा है पंजाब और हरियाणा के, अगर कल को ये एमएसपी जो है ये कंटिन्यू नहीं रह पाया और एमएसपी हट गया तो हमारा क्या होगा, उनको काफी लार्ज स्केल पर इस एमएसपी से फायदा होता है। और ये लार्ज स्केल कितना है मैं आप लोगों को बता दूं, आज की डेट में अगर पंजाब और हरियाणा के बारे में बात करें तो लगभग यहां पर आप लोग देखेगा पंजाब और हरियाणा दोनों मिलकर 80% से भी ज्यादा है जो राइस जो है पंजाब और हरियाणा से निकल कर आते हैं। यानी कि 80% से भी ज्यादा जो राइस है ये जो मार्केट में बेचे जाते हैं तो इनके पास में ओनली 20% रहता है। इसी के साथ में अगर गेहूं के बारे में बात करें तो 70% इनका गेहूं जो है वो मार्केट में निकल जाता है। तो इसका मतलब यह है कि मैक्सिमम इनका जो प्रॉफिट हो रहा है वो एमएसपी के बेस पर हो रहा है, ये पहली बात। दूसरी बात अगर देखिए, अगर आप लोग देखें दूसरे जो राज्य हो गए कई सारे, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, जो काफी बड़े राज्य आप लोग बोल सकते हैं, उत्तर प्रदेश गया, ये मध्य प्रदेश, ये उत्तर प्रदेश, यहां से टोटल मिलाकर ओनली 23% जो है एमएसपी में जाता है। तो सबसे ज्यादा एमएसपी का फायदा किसको हो रहा है, तो ये पंजाब और हरियाणा को हो रहा है। और जो तीन लॉ बनाए गए उसमें एमएसपी का जिक्र नहीं है। तो क्या होगा कल को ये होगा कि कल को अगर एमएसपी में कोई छेड़खानी की जाती है तो इनको सबसे ज्यादा नुकसान होगा। हालांकि अगर एमएसपी में मैं आप लोगों की थोड़ी सी नजर डलवाऊं तो आप लोग देखते हैं कि कहीं पर भी ये नहीं बोला गया कि एमएसपी जो है वो लीगली बाउंड है। यानी कि एमएसपी जो यहां पर ली जाती है गवर्नमेंट के द्वारा वो सही है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट दे रही है, पर लेकिन ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहीं भी गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है।
है कि गवर्नमेंट इस काम को करेगी ही करेगी। तो इसलिए किसानों के मन में शंका आ गई यार, कल को अगर ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस हट गया और जिस तरीके से चीजों को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करें तो काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। तो इसके चलते पंजाब और हरियाणा के किसान काफी लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि कुछ लोग जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के भी यहां पर आप लोगों को प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये जो यहां पर प्रोटेस्ट चल रहा है ये मैक्सिमम कहीं ना कहीं एमएसपी के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो यहां पर देखिए गवर्नमेंट जो है वो इसके अंदर चेंज लेकर आना चाह रही है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हमारी कंट्री में बड़े बड़े किसान भी है, छोटे छोटे किसान भी है, दूसरे राज्य के किसान भी है, अब उनको इस एमएसपी का फायदा नहीं मिल पाता है, क्योंकि मैक्सिमम जो एमएसपी का जो फायदा मिलता है वो पंजाब और हरियाणा को मिल रहा है। अब उत्तर प्रदेश के किसान ले लो, बिहार के किसान ले लो, उड़ीसा के किसान ले लो, मध्य प्रदेश के किसान ले लो, इनको एमएसपी का ज्यादा फायदा मिलता ही नहीं है। तो इसलिए वो किसान जो है वो इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको इसका ज्यादा फायदा मिल ही नहीं रहा है, उनको इससे कोई ज्यादा नुकसान दिख ही नहीं रहा है। तो इसलिए वहां पर उनको दिख रहा है कि जो चल रहा है उसको एक तरीके से बस इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं कई सारे लोग, तो यहां किसानों की बात है और है भी भैया सबकी थाली में खाना जा रहा है तो किसानों के पास से जा रहा है, पर लेकिन गवर्नमेंट उसको अलग तरीके से लेके चल रही है। तो देखिए कोई भी अगर चेंज होता है ना, अगर आप लोग पास से उठाकर चले, हमारी कंट्री में जब लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई थी जब हमारी कंट्री आजाद हुई तो बहुत बड़े बड़े साहूकार थे जो कि बहुत ज्यादा ज्यादा जमीन दबाए बैठे थे, तो उस टाइम पर बोला गया कि सबको लैंड वगैरह हम लोग को देनी है, तो वो चेंज करने की कोशिश की गई, तो काफी ज्यादा लोगों के अंदर प्रोटेस्ट देखने को मिला। कई सारे लोग जो उसको दबाए बैठे थे उन्होंने अपनी जमीन नहीं छोड़ी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिली। भूदान मूवमेंट भी चलाया गया हमारी कंट्री में। तो अगर कोई चेंज होता है तो वो कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालता है, तो अगर आराम आराम से चेंज करें, आप लोग बोले यूपीएससी में जो एज है आज के डेट में वो 32 है, उसको घटाकर अगर तुरंत बोल दिया जाए 26 कर दे तो एकदम बवाल मच जाएगा कंट्री के अंदर में। तो ये चीजें ऐसे ऐसे नहीं होनी चाहिए, तो यहां बोलना चाहिए कि भैया आज की डेट में जो एज है वो 32 है, ठीक है, हम लोग इसको 26 करेंगे। कब करेंगे इसको 26 करेंगे हम लोग इसको 2028 में जाकर। तो 2028 तक का जिसको भी प्रॉब्लम है वो अपना, जिसके जो जो अटेम्प्ट है वो अपना अपने देखते रहे, या फिर बोला जाए कि आराम आराम से ग्रेजुअल वे में हम लोग इसको करेंगे, पहले इसको 30 से लेकर 30 पर आएंगे 2028 में, फिर 26 में, फिर 2026 में लेकर हम लोग इसको 28 पे आ जाएंगे, फिर हम लोग इसको और नीचे आएंगे जब यहां पर 24 में। तो इस तरीके से मतलब कहने का मतलब ये घटते घटते चले, यानी एक तरीके से है कि आप लोग एज तो घटा रहे हैं पर लेकिन उसको इस तरीके से घटा रहे हैं कि लोगों के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट ना पड़े। तो गवर्नमेंट ने भी जो किया एकदम उसको इस तरीके से इंप्लीमेंट कर दिया कि लोगों के अंदर वैसे रोज भर गया रही है, पता नहीं क्या करने बैठ गए। तो गवर्नमेंट अपनी जगह चेंज लाना चाह रही है और वो चेंज जरूरी भी है कि सब किसानों को फायदा होगा, पर लेकिन जिस तरीके से वो चेंज लाया गया है ना, तो किसानों को कॉन्फिडेंस में लिया गया, जो फार्मर है तो फार्मर को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था, और दूसरी साइड में जो राज्य हैं कई सारे जो स्टेट हैं उनसे भी नहीं पूछा गया, गवर्नमेंट ने आनन फानन में उनको पास कर दिया। तो गवर्नमेंट का जो यहां पर मंशा है उस पर क्वेश्चन मार्क लग गया कि यार ये तो आनन फानन में चीजों कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। तो अगर आप लोग कोई जल्दबाजी में काम करोगे हड़बड़ाहट में, तो अगर आप लोगों का काम सही भी है तो भी उसके ऊपर एक तरीके से क्वेश्चन मार्क लगेगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार हो सकता है कुछ ना कुछ गलत चल रही है। तो अगर मंशा भी यहां पर अच्छी है, किसानों को उनका पैसा मिल सके, बिचौलिया बीच में से हट जाएगा, तो वैसे देखा जाए तो मंशा अच्छी है, पर लेकिन किसानों को यह लग गया कि पता चला कल को डिपेंडेंट इनके ऊपर हो गए और इन्होंने प्राइस देना कम कर दिया तो क्या होगा, हमारी मंडियां बंद हो जाएंगी, हमको तो इनके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो उनके मन में आशंका भी आ गई। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि एमएसपी के बारे में आप लोग सिक्योरिटी तो हम लोगों की, हां एमएसपी आप लोग नहीं हटाओगे। तो ये जो इस तरीके का जो फंडा बना हुआ है, गवर्नमेंट अपनी जगह सही है, वो एक तरीके से चेंज लाना चाहती है इस तरीके से कि हां जिस तरीके से आप लोग जाने, अगर जब राजीव गांधी के द्वारा कंप्यूटर लाए गए थे तो उस टाइम पर ये लग रहा था कि कंप्यूटर यार सबकी जॉब खा जाएंगे, सबने अपोज किया था। आज के डेट में देखिए कंप्यूटर के बिना क्या हम लोग एग्जिस्ट कर पाएंगे, तो कंप्यूटर के बिना कोई काम ही नहीं हो पाएगा आज के डेट में। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, तो गवर्नमेंट अपनी जगह जो चेंज लेके आ रही है वो अपनी जगह सही है पर करने का तरीका गलत है, ठीक है। इसी तरीके से किसान जो है वो अपनी जगह सही है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके ऊपर क्या इसके बाद में चीजें पड़ने वाली है, तो उनको भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था। तो आराम आराम से काम करने वाली बात थी यहां पर, ये जो कि आनन फानन में सारे काम हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने बात नहीं की। अगर किसानों से स्टार्टिंग से ही बात करती प्रॉपर वे में तो आज इस हालत में कंडीशन नहीं पहुंचती जिस हालत में पहुंच गई है। तो अब हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि हम लोग बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश से अभी काफी ज्यादा यहां पर प्रोटेस्ट निकल कर आया और उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता ही है, उत्तर प्रदेश में अगर आप लोग देखिए लगभग 80 सीट जो है लोकसभा के अंदर है, तो अगर उत्तर प्रदेश हाथ से चला गया तो किसी को भी हिला सकता है। तो इसलिए यहां पर जब उत्तर प्रदेश से प्रेशर बना तो कंडीशन ये बन गई कि गवर्नमेंट ने तुरंत बात करने की बात स्टार्ट कर दी। तो इसीलिए यहां पर कहने का मतलब ये, अगर स्टार्टिंग से ही किसानों की सुन लेते, उनकी मनसा अच्छी है, अगर वो ये किसानों को भी विश्वास दिला देते और उसको प्रॉपर वे में चीजों को लेकर चलते तो ये सिचुएशन देखने को नहीं मिलती। तो ये पूरा माहौल है, ठीक है। तो ना तो किसान अपनी जगह गलत है और सरकार, यार देश की सरकार है वो भी अपनी जगह नहीं है गलत, और इसी के साथ में किसान अपनी जगह है उनसे हमको अन मिलता है, तो दोनों के बीच का एक पाथ होना चाहिए, वो होना चाहिए बुद्धा वाला पाथ।
तो ये बातें मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश हमेशा कर रहा था, तो इसको आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। तो ये ऐसे तरीके से यहां पर काम है। तो अभी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब के द्वारा बोला गया कि हम लोग मिलकर बात करेंगे, तो देखते हैं किस तरीके से बातें जो है वो आगे यहां पर बढ़ पाती है। आई होप कि आप लोगों के माइंड में अब क्लैरिटी आ गई होगी इस मुद्दे को लेकर, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो बताना। बाकी एक क्वेश्चन बन जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है जो खरीफ और रबी क्रॉप के लिए हमारी कंट्री में दिया जाता है, ये किसके द्वारा रिकमेंड किया जाता है, क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ये कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस यानी कि CACP के द्वारा यहां पर ये बेसिकली फिक्स किया जाता है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग याद जरूर रखिएगा। ओके आगे चलता हूं। ये ऐसे क्वेश्चन आप लोग यहां पर उदाहरण में बोल सकते हैं एथिक्स के अंदर। अभी क्या हुआ, इंदौर यानी कि मध्य प्रदेश के अंदर कई सारे जो बुजुर्ग थे उन्हें कड़ाके की सर्दी के अंदर यहां पर गाड़ी में भरकर लाया गया, शेल्टर होम से या फिर उधर उधर से जहां से भी लाया गया, और उनके सड़क के किनारे उनको उतारा जा रहा था। इनमें से कई सारे तो ऐसे भी लोग थे जो कि चल फिर नहीं पाते हैं, एल्डर जो बुजुर्ग महिलाएं थी सॉरी, तो यहां पर 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड जो टेम्परेचर पर अगर आप लोग देखें यहां पर इनको यहां पर उतारा गया, तो इसके चलते लोकल एरिया ने इनको अपोज किया और वहां पर ये कैप्चर किया, इनकी एक वीडियो बनाई, तो उसके चलते इनके ऊपर प्रेशर पड़ा और फिर ये इनको यहां से ले गए। तो अगर ऐसी कोई हरकतें देखने को मिल रही है आप लोग समझिए क्या कंडीशन बनेगी। अगर आप लोग उस पर्टिकुलर एरिया में जो यहां पर कमिश्नर है तो उसी के बारे में बात की जा रही है कि जो डिप्टी कमिश्नर है उसको भी यहां पर भी फिलहाल जो है एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल ठहराया गया है और सस्पेंड कर दिया गया है, और जो दो इंप्लॉई है ये हरकतें कर रहे थे उनको भी सस्पेंड कर दिया, तो यानी कि ये हरकतें करने के तहत उनको सस्पेंड कर दिया गया है। हमारी कंट्री में जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको हम लोग अगर देखें, हमारी कंट्री का कल्चर देखो, काफी रेस्पेक्ट तरीके से हम लोग देखते हैं, इनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनकी हम लोग को इज्जत करनी चाहिए। हमारी नैतिक शिक्षा अगर देखें बच्चों को स्टार्टिंग से ये चीजें पढ़ाई जाती है, पर लेकिन जैसे जैसे हम लोग रियलिटी में जाते हैं ग्राउंड लेवल पर तो माहौल कुछ और देखने को मिलता है। आज की डेट में जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसी तरीके से आज की डेट में अगर बात करिए जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं एक तरीके से बच्चों के ऊपर जो सोसाइटी को लेकर प्रेशर बनाए रखते हैं, ये कर लो यार, वो कर लो, ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, वो अपनी एक्सपेक्टेशन बच्चों के द्वारा फुलफिल करने की कोशिश करते हैं, तो एक बड़ा ही अजीब सा माहौल बन जाता है। जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कोशिश ये करते हैं कि माता पिता को वृद्ध आश्रम में भेज दिया जाए, उसके पीछे कई सारे रीजन आप लोग बोल सकते हैं। दूसरा एक तो रीजन ये है कि कहीं ना कहीं अगर आज के डेट में आप लोग देखें एक न्यूक्लियर फैमिली होती जा रही है, तो इंसान जो है वो अपने सही लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है, एक तरीके से कमा नहीं पा रहा है, तो वो इस कंडीशन में आगे कई बार सोचता है कि माता पिता का खर्चा जो है वो हट जाएगा, माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं तो उनका खर्चा हट जाएगा। उस बदतमीज इंसान को ये नहीं पता अगर माता पिता ये सोचते कि ये खर्चा एक और आ गया है कि हम लोग इसको एक तरीके से जो बच्चों को पालने वाले जो चाइल्ड होम होते हैं वहां पर इसको छोड़कर आए चाइल्ड केयर होम में, तो आज के डेट में वो यहां पर नहीं बैठा होता। तो देखिए ये कंडीशन जो है ये एक तरीके से होती है कि मिलकर चीजों का सोल्यूशन निकालना, माता पिता को इस तरीके से वृद्ध आश्रम में छोड़ना कोई सोल्यूशन नहीं होता है। हाँ वो एक अलग कंडीशन है किसी के माता पिता जो हैं और दो बच्चे हैं उसके या फिर एक बच्चा है उसकी डेथ हो गई है, अब अकेले माँ बाप रह गए, तो वो तो एक कोई उसका तो फिर सोल्यूशन ही नहीं रह जाता है, तो वो तो एक अलग माहौल बन जाता है। पर लेकिन ये सिचुएशन इस तरीके से सड़कों पर लाकर गिरना बुजुर्ग लोगों को ये कहां तक हद तक सही है? तो अगर आप लोग पर्टिकुलर एरिया में जो अगर बात मान लीजिए यहां पर पर्टिकुलर एरिया में आप लोग कमिश्नर है और आप लोग के संज्ञान में कोई ऐसा प्रोग्राम आता है तो आप लोग उसके ऊपर क्या स्टेप उठाओगे? तो ये यहां पर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से एथिक्स के अंदर पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में भी आप लोगों से आप लोगों के अंदर की भावनाओं को जानने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। तो ये था यहां पर एक पर्टिकुलर आर्टिकल, आप लोग देखिए अगर ऐसा नजारा आप लोगों को देखने को मिले तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? आप लोगों को लगेगा वाह यार बर्फ देखने को मिल रहा है, ठीक है ऐसी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर लेकिन अगर मैं बोलूं आप लोगों को भाई साहब ये बर्फ नहीं है, ये क्या है, ये है पॉल्यूशन, और किसके अंदर है, ये हमारी कंट्री में जो यमुना रिवर है उसके अंदर आप लोगों को पॉल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो आप लोग जो है भुचक्के रह जाएंगे यार ये तो बड़ा गंदा सिचुएशन देखने को मिल रही है। और ये छठ पूजा चल रही है यहां पर, जब छठ पूजा होती है यहां पर तो इस तरीके से यमुना रिवर में कई बार आप लोग यहां पर जो दिल्ली के आसपास में जो महिलाएं वो छठ पूजा में यहां पर उसकी पूजा करते हुए नजर आती हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनडीजी बोलते हैं, एनजीटी बोलते हैं, इसके द्वारा बोला गया है अभी दिल्ली जल बोर्ड को कि भाई साहब आप लोग क्या कर रहे हो यमुना रिवर को क्लियर करने के लिए, यमुना रिवर में पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है, उसका सॉल्यूशन कुछ आप लोग सोच नहीं रहे। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया है कि आप लोग दो राज्य के साथ में मिलकर जरूर काम करिए, एक तो है उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। बेसिकली देखिए होता क्या है, यहां पर इन राज्य का काफी बड़ा इंपैक्ट रहता है, तो हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ में बोला गया कि मिलकर काम करो ताकि इसका सॉल्यूशन निकाला जा सके जो पोल्यूशन यहां पर देखने को मिल रहा है। ये जो बात बोली गई है ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के जो हेड है जिनका नाम है आदर्श कुमार गोयल, उनके द्वारा ये बात बोली गई है ताकि यमुना रिवर का सॉल्यूशन निकाला जा सके। यमुना रिवर आप लोग यहां पर देखते हैं, यमुना रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और इलाहाबाद के अंदर अगर आप लोग देखें ये जाकर मिल जाती है
गंगा रिवर से और फिर ये आगे इस तरीके से बढ़ने लगती है और आगे चलकर ये कहां पर गिरती है, ये ब्यो बंगाल में जाकर गिर जाती है। पर ब्यो बंगाल में गिरने से पहले जो गंगा रिवर है वो ब्रह्मपुत्र रिवर से जाकर मिल जाती है, तो फिर ये जाकर यहां पर ब्यो बंगाल में गिरती है और एक सुंदरवन नाम का डेल्टा बनाते हैं जो कि सुंदरी ट्री के नाम पर इस डेल्टा का नाम निकल कर आता है। ये तो बात होगी इसके नाम पर। अगर समझिए यहां पर यमुना रिवर अगर अच्छे से साफ नहीं है तो गंगा को पोल्यूट करेगी, गंगा को पोल्यूट करेगी तो आगे चल के और बड़ा पोल्यूशन बनेगा और पूरा डेल्टा तक पोल्यूशन आप लोगों को होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ये यहां पर साफ रहना काफी ज्यादा जरूरी है। अगर बात करूं थोड़ी सी आप लोगों से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ट्रिब्यूनल क्या होता है? ट्रिब्यूनल एक ऐसा कोर्ट होता है जहां पर प्रॉपर जो कोर्ट के रूल और रेगुलेशन है वो फॉलो नहीं किए जाते हैं। मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसे नहीं यहां पर बैठेंगे प्रॉपर वे, सारी दलीलें आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये चल रहा है वो चल रहा है, तो फिर कोर्ट में उसमें कोई डिफरेंस नहीं रह जाएगा। ट्रिब्यूनल बनाए इसलिए जाते हैं ताकि कोई भी मैटर अगर यहां पे आता है उसको जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, यानी कि सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकल कर आ सके। इसलिए ट्रिब्यूनल एक कोर्ट टाइप में ही एक अरेंजमेंट होती है जो कि हमारी कंट्री में किसके बेस पर बनाया गया। अगर बात करें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल किस बेस पर बनाया गया, तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में पार्ट 3 है जिसको आप लोग फंडामेंटल राइट बोलते हैं। फंडामेंटल राइट हमें 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट आते हैं। इसके अंदर एक आर्टिकल है जिसको बोलते हैं आर्टिकल 21। ये बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ के बारे में एंड पर्सनल लिबर्टी के बारे में। यानी कि अगर पोल्यूटेड रिवर में आप लोग जा रहे हैं तो आप लोगों की लाइफ का प्रोटेक्शन तो है नहीं, आप इन्वायरमेंट का पोल्यूशन आप लोगों को देखने को मिल रहा है तो लाइफ का प्रोटेक्शन तो है नहीं, तो आप लोगों के फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, तो आप लोग यहां पर कोर्ट में जा सकते हैं। तो उसी के बेस पर यहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बनाया गया जो कि आर्टिकल 21 से निकालकर यहां पर लाया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोग याद रखिएगा। तो आर्टिकल 21 से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल निकालकर हमारी कंट्री में लाया गया और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये हमारी कंट्री तीसरी कंट्री यहां पर बनी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल लगाने वाली। यानी कि हमसे पहले कौन सी ऐसी कंट्री थी जहां पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया, तो ये थी न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल आ गया था। और ये जो कहां से निकल कर आया, ये निकल कर आया जो यूएन की जो कॉन्फ्रेंस थी एनवायरमेंट एंड द डेवलपमेंट के ऊपर, यूएन कॉन्फ्रेंस, ये थी यूएन कॉन्फ्रेंस एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है, तो UNED के आप लोग बोल सकते हैं। ये कॉन्फ्रेंस थी 1992 की। इस कॉन्फ्रेंस में यहां पर बोला गया कि यार कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए ताकि इस सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सके। तो ऑस्ट्रेलिया सबसे पहले, न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर इंडिया, कैसी कंट्री बना जिसके द्वारा यहां पर हमारी कंट्री में जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जैसी अरेंजमेंट की गई। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में अगर कुछ और बातें हम लोग बात करें तो ये क्या फॉलो करते हैं, ये क्या नॉर्मल तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हमारी कंट्री में कोर्ट फॉलो करते हैं, वो सिस्टम फॉलो करते हैं। तो ट्रिब्यूनल ये बाउंड नहीं है CCP जो कि एक तरीके से जो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है, सॉरी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर है, तो यहां पर उसको फॉलो नहीं करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर कब का है यहां पर, ये 1908 का है, तो इसको फॉलो नहीं करते हैं जिसके हिसाब से कोर्ट चलता है। ये नेचुरल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हैं। नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट क्या होता है? नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि अगर मैंने कोई गुनाह किया है तो मैं ही जज नहीं बन सकता, यानी कि अपने ही केस में खुद आप लोग जज नहीं बने, और अगर सामने वाले को किसी को सजा देनी है, ऐसा नहीं कि उसको सुना भी नहीं, उसको सजा सुना दी कि तुमने ये गलत किया, पहले उसको सुनो तो सही, उसका भी अपना पक्ष रखने दो। तो नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि प्रॉपर वे में आप लोग काम करो, इंसान को बिना सुने हुए आप लोगों को जजमेंट नहीं देना है, और खुद अगर आप लोगों ने ही गुनाह किया तो आप लोग जज बनकर नहीं बैठ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट फॉलो करके चल रहे हैं और जल्दी से जल्दी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना है। फाइनल करना होता है यहां पर डिसीजन को नॉर्मली विद इन 6 मंथ, यानी कि 6 महीने के अंदर अंदर डिसीजन लाना होता है ताकि प्रॉब्लम का सोल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाला जा सके। न्यू दिल्ली के अंदर आप लोगों को इसकी प्रिंसिपल ब्रांच देखने को मिलेगी, बाकी लोकल एरिया भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, तो यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अंदर। इससे बाहर आप लोगों का क्वेश्चन नहीं आएगा अगर एनजीटी के बारे में कोई आप लोगों से पूछता है, तो कोई कंफ्यूजन आप लोगों के पास में इससे रिलेटेड अब नहीं होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। आइए आगे बढ़ता हूं। यूएसए के अंदर नए प्रेसिडेंट आ गए जिनका नाम है जो बाइडन। जो बाइडन कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, तो ये 46वें नंबर के प्रेसिडेंट है। तो 46वें नंबर के प्रेसिडेंट जो है वो बोल रहे हैं कि क्वाड को ये आगे लेकर चलेंगे, क्वाड से हटेंगे नहीं। क्वाड क्या होता है यहां पर, ये जहां पर चार कंट्री मिलकर काम कर रही थी। क्वाड मतलब चार, एक तरीके से चार कौन कौन थी यहां पर, चार कौन कौन थी आप लोग यहां पर देख लीजिए। एक तो था यूएसए, एक था यहां पर इंडिया, थानी मतलब है, एक है यहां पर जापान और एक है यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो ये मिलकर काम कर रहे हैं ताकि चाइना को टैकल किया जा सके इस पर्टिकुलर एरिया के अंदर, ताकि चाइना की हरकतों को रोका जा सके। तो इनके द्वारा साफ साफ बोल दिया है कि क्वाड को ये आगे लेकर चलेंगे, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का क्वाड को आगे लेकर चलना सही था, तो डोनाल्ड ट्रंप को यहां पर ये सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात क्या है, पैलेस्टीन के मुद्दे पर मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था यहां पर मॉर्निंग में ही आज की वीडियो में, तो वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस के बारे में, तो रसिया के द्वारा इसको सपोर्ट किया जा रहा है और रसिया कह रहा है कि इसको आगे लेकर चलो, टू नेशन थ्योरी लेकर आनी है। किसके लिए ये लेकर आनी है आप लोगों को? इसराइल और पैलेस्टीन के लिए। तो इसराइल और पैलेस्टीन को दो नेशन थ्योरी में कन्वर्ट करने है। तो यहां पर जो बाइडन का एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड को भी सपोर्ट किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो बोला है वो एक पॉजिटिव एक्शन था। अब्राहम अकॉर्ड क्या था? अब्राहम अकॉर्ड ये था जब यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई और
बहरीन जो थे उनके इसराइल के साथ में जो रिलेशन है वो नॉर्मल करने की कोशिश की गई। 26 साल में पहली बार यहां पर ऐसा कुछ ये रिलेशन ये एस्टेब्लिश करने की कोशिश की गई। तो जो बाइडन साहब कह रहे हैं कि ये भी स्टेप जो है डोनाल्ड ट्रंप ने सही उठाया, यानी कि ऐसा नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो अच्छी चीज ये लग रही है कि जो प्रेजेंट पार्टी है यहां पर गवर्नमेंट जो पावर में है वो पुरानी गवर्नमेंट को ये बोल रही है कि हाँ उसने ये काम सही किए हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि जैसे हमारी कंट्री में क्या होता है, बीजेपी आ जाए तो कांग्रेस को क्रिटिसाइज करती है, कांग्रेस आ जाए तो बीजेपी को क्रिटिसाइज करती है। यानी कि वो ये नहीं बोलते हैं कभी भी कि इनके द्वारा ये अच्छे काम भी किए गए हैं पास्ट में, ठीक है, एकदम नेगेटिव काम बोलेंगे। आज ही अगर कांग्रेस आ जाए पावर में तो बीजेपी के अच्छे काम नहीं देखेगी, ये बोलेगी कि बीजेपी ने ये कर दिया वो कर दिया, नेगेटिव चीजें दिखाएगी। और अगर बीजेपी चल रही है तो कांग्रेस के पुराने नेगेटिव चीजें गिनाती रहती है। पर लेकिन फोरन में आप लोग जाओगे ना वहां पर आप लोगों को पॉजिटिव एक पॉलिटिक्स देखने को मिलेगी। अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको सपोर्ट किया जाता है वहां पर, ये मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती है। हमारी कंट्री में तो पॉलिटिक्स के नाम पर पॉलिटिक्स कई बार करते हो आप लोग नजर आएंगे, तो वो गलत चीज है। अगर बात करें 10 जो पार्टिसिपेंट है आप लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो कि इस एरिया में काम कर रहे हैं, जिसको बोलते हैं वेस्ट एशिया पीस कॉन्फ्रेंस। इसमें इजराइल, पैलेस्टीन, रशिया, यूनाइटेड नेशन, यूएसए और यूरोपियन यूनियन 8 ये सॉरी 6, इसी के साथ में बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन और यूएई, तो ये मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं शांति बनाने के लिए। रशिया ये बोल रहा है कि पहले मिनिस्ट्री लेवल पर देख लेते हैं फिर चीजों को आगे लेकर चलेंगे, तो ये बात यहां पर अभी की जा रही है। ओके, तो ये यहां पर अभी जो बातें इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। ये यहां पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है फिलहाल अभी यूएसए के, जिनका नाम है जैक सुलिवन, ठीक है, तो यहां पर इनके बारे में आइडिया रखिएगा। बाकी जो बात की हम लोगों ने पैलेस्टीन के बारे में, तो वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में सबमिट कर रह गया पैलेस्टीन, और इसराइल जो है यहां पर ये रेड पोर्शन जो है ये इसराइल का हो चुका है आज के डेट में। गोलान हाइट जो है वो किन दो कंट्री के बीच में है इसके बारे में आप लोग थोड़ा सर्च कीजिएगा और बताइए, थोड़ा सा रीजन भी आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहां पर ये भी इसराइल से लिख कर ही आ रही है। आप लोगों को पता है अभी इसराइल की जो एम्बेसी है दिल्ली के अंदर उस पर अटैक हुआ, तो उसके चलते ये न्यूज में आ गया। इसमें क्या क्या बातें की जा रही है, इसमें इसराइल के जो लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हमने अभी रिसेंटली जो जनरल जो कासिम सुलेमानी थे, जो जनरल थे यहां पर जो ईरान के, उनको मारा जनवरी 2020 में। इसी के साथ में जो उनके एक काफी इंपोर्टेंट साइंटिस्ट थे जिनका नाम था यहां पर मोहसिन फकरीजादे, ठीक है, तो यहां पर उनकी डेथ होगी, जिनको पितामह बोला जाता था, न्यूक्लियर साइंटिस्ट, ये किसके थे, ये थे ईरान के, तो इनकी जान चली गई। तो उसके चलते जो ईरान है वो हमसे बदला लेने के लिए दिल्ली की एम्बेसी के पास में यहां पर इनके द्वारा आईईडी की फुल फॉर्म क्या है इसको बोलते हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, ठीक है, तो इसका अटैक यहां पर अभी देखने को मिला। तो ये सीधा सीधा यहां पर बोल रहे हैं कि ये काम पहले भी कर चुका है यहां पर ईरान, तो हमारी कंट्री के ऊपर ये अटैक इसके द्वारा किए जा रहे हैं, तो डायरेक्ट यहां पर ईरान को रेस्पॉन्सिबल यहां पर ठहरा है। ईरान की साइड से अभी इसके ऊपर कोई भी अपना जवाब निकलकर नहीं आया, ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर यहां पर काम चल रहा था जो भी ब्लास्ट देखने को मिला। ओके, आगे चलते हैं, काफी इंपोर्टेंट न्यूज आप लोग यहां से बन सकती है। ये बात की जा रही है डिजिटल करेंसी के बारे में। डिजिटल करेंसी का नाम अगर ले तो सबसे पहले बिटकॉइन आता है। बिटकॉइन के बारे में सबसे गड़बड़ चीज ये है कि बिटकॉइन बन सकता है, बिटकॉइन को यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन को सेल कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, पर लेकिन बिटकॉइन जो है ये कोई इसको मैनेज नहीं कर रहा है, बिटकॉइन अपने आप में ही मैनेज हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोगों को बताया कि जैसे अगर बात करें कि एनवायरमेंट जो है वो अपने आप को ठीक करता रहता है, पर लेकिन अगर ज्यादा ही हम लोगों ने उसके अंदर एक उल्टी सीधी हरकतें कर दी है कि बजाकर खराब किए जा रहे हैं तो अपने आपको ठीक नहीं करेगा। ये बिल्कुल ऐसे जैसे एक रबर लीजिए आप लोग, उसको अगर खींचेंगे तो फिर से वो सिमट कर यहां पर आ जाएगी, फिर से खींचेंगे फिर से सिमट कर आ जाएगी, पर लेकिन अगर आप लोग उसको से खींचते रहेंगे तो टूट जाएगी, ठीक है, तो वो कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो अपने आप को ठीक कर लेना, तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं। हमारी कंट्री में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा ये बोला जा रहा है कि अपनी खुद की ऑफिशियल करेंसी लेकर आएंगे जो डिजिटल करेंसी होगी, बिटकॉइन को बैन कर दिया जाएगा। तो बिटकॉइन को बैन करने वाला जो डिसीजन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया है, ये यहां पर बड़ा ही एक बोल रहा है कि यहां पर लोग ये बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही अटपटा डिसीजन है, किसी भी बड़ी डेमोक्रेसी के द्वारा अब तक कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया। तो हमारी कंट्री में ऐसा डिसीजन लिया जा रहा है ये बोलकर कि इसके चलते बहुत सारे फ्रॉड हो सकते हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें हो सकती हैं। और यहां पर हमारी कंट्री में जो सेक्रेटरी सुभाष चंद्र गर्ग थे, इनके द्वारा यहां पर रिकमेंड किया गया था जब एक कमेटी बनाएगी, कमेटी का नाम याद रखिएगा सुभाष चंद्र गर्ग, ठीक है, तो इनकी कमेटी जब बनाएगी तो इनके द्वारा बोला गया कि पेनल्टी लगाई जा सकती है 25 करोड़ तक का और 10 साल तक की सजा हो सकती है अगर कोई भी जो बिटकॉइन की माइनिंग करते हुए पाया गया, जनरेट करता हुआ, होल्ड करता हुआ, सेल करता हुआ, बेचता हुआ, एक दूसरे को ट्रांसफर करता हुआ, तो यहां पर बिटकॉइन को कंप्लीटली बैन करने की बात हमारी कंट्री में कही गई थी। बिटकॉइन अगर बैन होता है हमारी कंट्री में तो आने वाले टाइम में खुद की डिजिटल करेंसी देखने को मिलेगी जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में काम करेगी, तो यह करेंसी हमारी कंट्री में होगी। तो इसी के चलते
बात की जा रही है कि लॉ लेकर आया जाएगा जो कि बैनिंग ऑफ द क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019 में आप लोग जानते हैं इसके बारे में बात की गई थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की वेबसाइट पर भी रखा गया था। अब उसको आगे लेकर चलने की बात की जा रही है, तो कितना सही है कितना गलत है वो तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी यहां पर इसके बारे में जो बातें वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी, जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि चल क्या रहा है, तो कोई कंफ्यूजन यहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी इसके बारे में बातें। आगे यहां पर एक छोटी सी न्यूज है यहां पर, ये पर लेकिन इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट कैसे बोल रहा हूं, आप लोग समझेंगे तो जानेंगे इसके बारे में। इसको समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बार गूगल बाबा के पास में लेकर चलता हूं। ठीक है, तो ये है आप लोगों के सामने गूगल बाबा। आप लोग यहां पर बोलिए कुछ सर्च करने की, अगर आप लोग बात करें तो आप लोग बोलिए यहां पर जैसे कि स्टडी लवर वीर, स्टडी लवर वीर आप लोगों ने सर्च कर लिया तो क्या गया, सबसे ऊपर आप लोगों को देखने को मिल रहा है यहां पर आ गया यूट्यूब का चैनल, नीचे आ गया यहां पर फेसबुक का जो बेसिकली प्लेटफॉर्म आ गया, और यहां पर जो रेटिंग भी दिखा रखी है फेसबुक पर जो आप लोगों ने रेटिंग दी है 4.9 की रेटिंग है, यानी पांच में से 4.9 की रेटिंग आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगी। तो इस तरीके से अगर आप लोग समझिए यहां पर, तो नीचे आप लोग थोड़ा सा और जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये वीडियोज आ रखी है। ट्विटर का जो अकाउंट है स्टडी लवर वीर का, आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिल रहा है, मैंने ट्विटर पर ये कल ही शेयर किया था यहां पर, तो ये आप लोग यहां पर देखते हैं। तो यानी कि चैनल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रही है। नीचे आएंगे तो थोड़ा सा वेबसाइट भी दिखा रखी है जो कि अंडर प्रोसेसिंग चल रही है, तो यहां पर टेलीग्राम हो गया, तो इसका मतलब ये है। एक नीचे और आएंगे तो स्टडी लवर वीर के नाम से टेलीग्राम आ गया। ठीक है, जहां पर दिखा रहा है कि 1,26,549 मेंबर यहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोगों ने यहां पर देख ली, पर लेकिन किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं किया और आप लोगों को पता चल गया कि स्टडी लवर वीर क्या है। क्या मतलब हो गया इसका, इसका मतलब ये हो गया कि बिना किसी लिंक पर आप लोग जाए हुए स्टडी लवर वीर के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिल गई। तो इनडायरेक्ट वे में अगर देखें तो स्टडी लवर वीर, मान लीजिए मेरा कोई कंपनी है और मैं कोई प्रोडक्ट यहां पर बेच रहा हूं, और आप लोग लिंक पर गए भी नहीं, आप लोग अगर लिंक पर जाएंगे तो वहां पर प्रोडक्ट देखेंगे, आप लोग जाकर खरीद सकते हैं और आप लोगों को पता भी चल गया। तो इनडायरेक्ट वे में गूगल का यूज बढ़ा है, मुझे तो फायदा नहीं हुआ ना उससे, गूगल को फायदा हुआ है। गूगल की जो न्यूज है, गूगल में जो फीडबैक जाते हैं, गूगल उसको प्रस्तुत करता है, तो गूगल को फायदा हो रहा है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, अगर मैं एक मीडिया हाउस हूं, मैं अपनी न्यूज प्रस्तुत कर रहा हूं, आप लोगों ने कोई सर्च किया और सर्च करने के बाद में आप लोगों के सामने कोई न्यूज आई और आप लोगों ने बस गूगल में ऐसे ऐसे स्क्रॉल करके पढ़ लिया थोड़ा सा और उस पर्टिकुलर लिंक पर नहीं गए, तो गूगल में पढ़ लिया आप लोगों ने पर लिंक पर नहीं गए, तो फायदा किसको रहा है, गूगल को रहा है, गूगल का यूज बढ़ रहा है। पर लेकिन जिसने वो न्यूज छापी है, जिसने मेहनत करी है, जिसने रिपोर्ट किया है, उसको तो कोई फायदा नहीं हुआ इसका। तो इसी के चलते ऑस्ट्रेलिया ये बोल रहा है कि अगर गूगल में कोई कुछ सर्च करता है, सर्च करने के बाद में उसकी न्यूज यहां पर आप लोगों को दिखती है, तो वो न्यूज जो है वो न्यूज दिखाने के आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे उस मीडिया हाउस के, जो कि आप लोग फ्री में दिखाकर निकल जाते हैं, आपका फायदा होता है, पर लेकिन उस मीडिया हाउस को फायदा नहीं होता है। गूगल ने बोला अगर ऐसा आप लोग करोगे तो हम लोग ऑस्ट्रेलिया की न्यूज ही सर्च इंजन से हटा देंगे, यानी कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, हम लोग आपको इसका पैसा नहीं देंगे। तो आगे चलकर अगर तो गूगल ने बोल दिया, पता चला इंडिया भी यही बोल रहा है, पता चला ऑस्ट्रेलिया के साथ में जापान, साउथ कोरिया, जर्मनी, फ्रांस, यूके सबने बोलना स्टार्ट कर दिया, तो गूगल को यहां पर कहीं ना कहीं एक तरीके से इसके सामने विवश होना पड़ेगा कि जो ये मेहनत कर रहे हैं उनको उनकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो गया कि आज के डेट में अगर आप लोग चीजों को देखें कि गूगल जो है वो उसका फायदा उठा रहे हैं, पर लेकिन उसका फायदा जो है वो उन तक नहीं पहुंच रहा है जो उसके नीचे मेहनत कर रहे हैं, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। ओके, तो ये बेसिकली इसी के चलते ये केस यहां पर है, ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी एक लॉ लाया जा रहा है जिसके चलते गूगल को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये यहां पर चीजें होती है तो हो सकता है कल को हमारी कंट्री भी इससे रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिले। तो ये कुछ बातें थी जो कि आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कुछ नया जरूर सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो आप लोग इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, यहां से जाकर टेलीग्राम से सारी पीडीएफ आप लोगों को इकट्ठे मिल जाएगी। मेरे साथ में आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर भी कनेक्ट रह सकते हैं, वीर तालियान सर्च कर लीजिएगा, कहीं पर भी जाकर सेम आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। अगर आप लोगों को जो स्टडी से रिलेटेड चीजें कनेक्ट करनी है फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर, तो स्टडी लवर सर्च कर लेना, तो स्टडी लवर के नाम से आप लोगों को चीजें मिल जाएंगी। तो ये थी कुछ बातें जो आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि कुछ ना कुछ प्रोडक्टिविटी आप लोगों की लाइफ में आज ऐड हुई होगी, जो थोड़ा सा प्रयास मेरे द्वारा किया गया। अगर हां तो फीडबैक जरूर देना वीडियो को, लाइक या फिर डिसलाइक करके, डिसलाइक जरूर करना अगर पसंद नहीं आई तो, और पसंद आई है तो लाइक भी कर दीजिएगा और बाकी दूसरों के साथ में शेयर कर दीजिएगा अगर अच्छा लग रहा है, वरना तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।